टॉपिक का नाम है एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, लास्ट टॉपिक है रोलिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन। हमने लॉज ऑफ मोशन में ये सीखा था, हमने ये सीखा था अगर आपके पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है, याद करो ये एक ब्लॉक है, ये थीटा है, ये एम जी साइन थीटा है, मान लो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है न्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, और मैं कहूँ कि ए निकालो, तो कैसे सीखा था एम जी साइन थीटा माइनस म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन इज मास इनटू एक्सेलरेशन, या एम जी इनटू साइन थीटा म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन क्या है एम जी कॉस थीटा इज मास इनटू एक्सेलरेशन, सॉल्व करके एम आ जाता था। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। इस चैप्टर में हमने स्लाइडिंग नहीं करनी, हमने क्या करना है, अगर ये इंक्लाइन प्लेन है, ये थीटा है, आपकी बॉडी क्या करती हुई नीचे आ रही है, रोल, तो सेंटर ऑफ मास किस मोशन में होगा, ट्रांसलेशन, सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन मोशन में होगा। तो ट्रांसलेशन मोशन में सेंटर ऑफ मास ए सेंटर ऑफ मास है, कोई डाउट इसमें, आपको बताना है ये वैल्यू कितनी है। स्लाइडिंग नहीं हो रही, क्या हो रही है, रोलिंग, ठीक है यहां तक। तो आप अगर इस कॉन्सेप्ट को देखें तो मैं क्या निकालना चाहता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इन केस ऑफ रोलिंग। तो डायग्राम कैसे बनेगा, इंक्लाइन प्लेन, थीटा एम जी साइन थीटा, अभी दो मिनट बाद लिखना है, अभी लिखना नहीं, सिर्फ सीख लो, फिर पाँच तीन मिनट दूंगा आप लिख भी लेना उसे। तो एम जी साइन थीटा नॉर्मल रिएक्शन, एम जी एम जी कॉस थीटा बॉडी नीचे आ रही है फ्रिक्शन, राइट। मैंने बहुत आसानी से बोल दिया फ्रिक्शन, ये बहुत डेंजर है, ये बहुत चलाक है, मैं बता रहा हूँ आपको, और ये रोटेशनल में तो और भी चलाक है, मतलब वो स्लाइडिंग में करने के लिए आपको दो लेक्चर लगे, रोटेशनल की फ्रिक्शन के लिए पूरा एक लेक्चर लगेगा सीखने के लिए कि ये कैसे अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन मैं आज आपको नहीं बता पाऊंगा कि एक्चुअल ये फ्रिक्शन, और ये भी बता नहीं पाऊंगा कि स्टैटिक है या फिर ये काइनेटिक है, ठीक है। अगर मैं ऐसे करता हूँ तो ये लो, ये बॉडी नीचे आ रही है, पीछे जा रही है, हाँ तो आगे होनी चाहिए थी ना, पर मैंने पीछे बनाई है, ये तो बहुत नहीं, क्योंकि क्योंकि फ्रिक्शन के कुछ रूल्स हैं रोलिंग के अंदर, और ये नॉर्मल फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। दो बातें याद रखना फ्रिक्शन में, इतना ही बता पाऊंगा, और डीप में जाना मत, फंस जाओगे और गलत लगा दोगे, और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो तो इसमें बिल्कुल मत लगाना। अभी दो चीज़ें जिससे आपका काम चल जाएगा बस आज, पहला इसमें रोलिंग में, प्योर रोलिंग में गलती से भी एफ इज म्यू एन मत लगाना, प्योर रोलिंग में एफ इज म्यू एन मत लगाना, क्योंकि ये स्लाइडिंग नहीं हो रही, बॉडी घिसट नहीं रही, इट इज नॉट अ काइनेटिक फ्रिक्शन, इट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। अब ये मैं डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा ये स्टैटिक क्यों है, लंबी कहानी है, क्योंकि काइनेटिक होती है तो खिसट घिसटती हुई जाती, और तो प्योर रोलिंग है, स्लिपिंग तो हो नहीं रही, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों है लंबी कहानी है। बस इतना समझ लो, इस प्योर रोलिंग के क्वेश्चन में एफ इज म्यू एन मत लगाना, आने वाले टाइम में बताऊंगा ऐसा क्यों, चलो एफ लगा लेना कोई बात नहीं। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप, काम चलाने के लिए इतना बता सकता हूं मैंने फ्रिक्शन पीछे क्यों ली, सिर्फ काम चलाने के लिए, लेकिन एक्चुअल फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लंबा कॉन्सेप्ट है। मुझे सिर्फ ये बताओ, ये बॉडी रोल करती हुई आगे जाएगी, रोल करने के लिए बॉडी को टॉर्क चाहिए, और टॉर्क होता है आर इंटू एफ, बोलो क्या एम जी साइन थीटा इसे टॉर्क दे पाएगी, हाँ या ना, क्या एम जी साइन थीटा इसको घुमा पाएगी गोल, क्यों, क्योंकि इस बॉडी का एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है और फोर्स भी एक्सिस भी एक्ट कर रही है, तो फिर टॉर्क जनरेट ही नहीं होगा। क्या नॉर्मल रिएक्शन इसे घुमा पाएगा, नहीं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन भी कहां काम कर रहा है, इसके एक्सिस पे, नहीं टॉर्क जनरेट होगा। क्या एम जी घुमा पाएगा, नहीं, क्योंकि एम जी भी एक्सिस पे काम कर रहा है, नो। क्या एम जी कॉस थीटा घुमा पाएगा, नहीं घुमा पाएगा। क्या बचा, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन कैसे घुमाएगी, ये रही आपकी बॉडी, सोचो मेरा हाथ फ्रिक्शन है, मेरे हाथ की डायरेक्शन पीछे लगा रहा हूं मैं ऊपर ऐसे, देखो बॉडी कहां जा रही है, ये देखो, ये देखो, मैं यही चाहता हूं मेरी बॉडी कहां जाए, आगे, इतना बता सकता हूं कि फ्रिक्शन पीछे क्यों है। आई होप समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ऐसे लगेगी बॉडी आगे जाएगी, टॉर्क जनरेट करवाना है।
तो बिना फ्रिक्शन के बॉडी रोल नहीं कर पाएगी पहाड़ों में, हार्ड आइस पे आपकी जो ब्लैक आइस है उस पे गाड़ी स्लिप हो जाएगी, लेकिन रोल नहीं कर, रोल करती फिर आप बर्फ में निकल निकल के आना जाते, आपको बड़ी गाड़ी लेने की जरूरत क्या, चेन डालने की जरूरत क्या आती है, तो वैसे ही निकल आते, तो स्लिपिंग होगी होगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो फ्रिक्शन मैंने पीछे लगा दी, रोलिंग का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान आगे सबका, लिख लें दो मिनट बाद, रोलिंग का केस है। रोलिंग किससे बनी हुई है? ट्रांसलेशन एंड प्योर रोटेशन। ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट किस पे लगता है? सेंटर ऑफ मास पे। ट्रांसलेशन में कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स लगता है। नेक्स्ट स्टेप प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन में जो काम ट्रांसलेशन में फोर्स करता है वो काम इसमें कौन करेगा? टॉर्क करेगा। तो एक इक्वेशन फोर्स की बनेगी और एक टॉर्क की बनेगी। देखो कैसे, सबसे पहले इक्वेशन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में सिर्फ सेंटर ऑफ मास देखो, सेंटर ऑफ मास ये रहा, इसके ऊपर फोर्स कहां कर रही है? नीचे की तरफ, एम जी साइन थीटा, और पीछे की फोर्स क्या है? एफ। हम नॉर्मल फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट ये मानता है कि बॉडी का मास कहां पर पड़ा हुआ है? सेंटर ऑफ मास पे, और एक्सेलरेशन क्या है? ए सेंटर ऑफ मास। पहली इक्वेशन क्लियर है ट्रांसलेशन की? क्लियर है यहां तक? एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज एम ए। दूसरा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ ट्रांसलेशन कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन सेंटर ऑफ मास, फर्स्ट इक्वेशन है, और एफ इज न्यू एंड नहीं पुट करना। दूसरा रोटेशन, रोटेशन में फिर से फ्री बॉडी डायग्राम, रोटेशन में ये इंपॉर्टेंट है, एक्सिस कहां से पास कर रहा है? यहां से। एम जी साइन थीटा तो कोई टॉर्क जनरेट नहीं करेगा, कौन जनरेट करेगा? एफ। कितना करेगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सिस। तो कितना टॉर्क जनरेट हुआ? आर इंटू एफ। लेकिन टॉर्क का एक और फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया, आई टाइम्स एल्फा, इक्वेट कर दें, यहां से एफ निकाल लें। एफ इज म्यू एन मत लगाना, फ्री बॉडी डायग्राम से ही एफ निकालना। तो टॉर्क से एफ आ गया, इस एफ को उठा के यहां पुट कर दें। जब यहां पुट करेंगे तो एम जी साइन थीटा माइनस आई एल्फा बाई आर इज एम इन टू ए सेंटर ऑफ मास। पर हमने एल्फा थोड़ी ना निकाल रहे, हमने तो ए सेंटर ऑफ मास निकालना है अब, क्योंकि बॉडी क्या कर रही है? रोल। रोलिंग में आज हमने एक रिजल्ट किया, ए सेंटर ऑफ मास क्या होता है? आर इन टू एल्फा। तो एल्फा क्या होता है? ए सेंटर ऑफ मास बाई आर। इस एल्फा को उठा के यहां पुट कर दें तो ये क्या बनेगा? ए सेंटर ऑफ मास बाई आर स्क्वायर। एस ये वाली टर्म यहां ले जाएं, कॉमन आ गया, ये टर्म इसके नीचे ले जाएं, एक्सेलेरेशन आ गई। ये बॉडी किसी भी शेप की हो सकती है, तो इन जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला किसी भी बॉडी के का गायरेशन की फॉर्म में एम के स्क्वायर, आई की जगह एम के स्क्वायर, एम 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 कैंसल, बहुत सही फॉर्मूला आ गया, एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब आपके स्कूल के अंदर, ऑब्जेक्टिव के अंदर, कहीं पर भी अगर स्कूल में पेपर आए, पेपर में आ गया, किसी स्कूल में आया कि ड्यूरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन एक्सेलेरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर निकालो सेंटर ऑफ मास की, यहां तक सबने सेम करना है। अगर ये सॉलिड स्फीयर बोलता है तो एंड में के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सॉलिड स्फीयर का क्या होता है? 2/5 कर देना। अगर मान लो डिस्क आता है तो वो स्कूल के बच्चे हाफ कर देना, और रिंग आता है तो एंड में 1 कर देना। कॉपी गलत मत कर देना, फिर टीचर कहेगा यार पूछा स्फीयर का, तुम डिस्क लिखे जा रहे हो। यहां तक कॉमन है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितना आसान हो गया, अब मुझे क्या पता क्वेश्चन रिंग पे आएगा, डिस्क पे आएगा, सॉलिड स्फीयर पे आएगा, जिस पे भी आएगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर चेंज करते रहो, आंसर ए का आता जाएगा। ये कमाल का जो आप कह रहे थे ना कि क्यों यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं क्योंकि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर से क्वेश्चन छोटे बनते हैं। कोई डाउट इसमें? तो एक इक्वेशन किसमें लगाई? ट्रांसलेशन। और एक किसमें लगाई? रोटेशन। और दोनों को कंबाइन किया तो क्या आई? रोलिंग। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसको आपने कॉपी पे लिखना है। देखो आज का लिखवाना तो मुझे यहीं पे था, तो मैं अगली कॉपी चेक करूंगा, आपने लिखना है अभी लिख लें या घर जाके लिखें। अगली बार कॉपी के अंदर लिखा होना चाहिए पूरा टॉपिक, क्लास का टाइम ना लगाएं, घर पे लिख के लाना है, क्योंकि ये तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा डायग्राम के साथ प्रॉपर लिख के लाना है। ठीक,